नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी करंट अफेयर्स की रटलो श्रृंखला के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। यह वर्ष 2020 की पहली रटलो श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं। लोक सेवा आयोग की जो कार्यशैली है उसमें खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा की डेट 22 मार्च दी गई है। यूपीएसआई की भी आपकी परीक्षा है, एनटीपीसी की भी परीक्षा है और यूपीपीसीएस की भी प्रारंभिक परीक्षा है। यदि हम इन सभी परीक्षाओं को देखें तो लगभग सितंबर से लेकर परीक्षा तक के करंट को हम सभी लोगों को तैयार करना है। तो उसी क्रम में एक सजग शुरुआत के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं और नवंबर माह के पूरे करंट को प्रश्नोत्तर के माध्यम से इकट्ठा किया है और हम लोग इसको हल करेंगे। यह व्याख्यात्मक श्रृंखला है ताकि आप चीजों को नोट करते चलेंगे, जिससे एक प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो सके। आप लोगों के स्नेह से पिछले कुछ समय में हम लोगों ने देखा है कि लगभग कोई भी परीक्षा प्रदेश में और देश में आयोजित हुई हो, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न आपको रटलो श्रृंखला से मिले हैं। इसी क्रम में संस्था की तरफ से एक और प्रयास है, तो आइए इस रटलो श्रृंखला की शुरू प्रश्न से मैं श्रृंखला को प्रारंभ करता हूं। लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। क्या कथन दिए गए आपको देख लीजिए एक बार। मैं प्रश्न पढ़ने के बाद हट जाऊंगा यहां से ताकि आप लोग प्रश्न को अच्छे से अध्ययन कर सके और उत्तर कर सके। तो आज का हम लोग इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 18 नवंबर 2019 को राज्यसभा का 250वां सत्र आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है, यह जानकारी आपकी सही है। दूसरा, इस अवसर पर राज्य के सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा 1952 के बाद की यात्रा शीर्षक से पुस्तक का विमोचन किया। दूसरी जो है आपकी जानकारी वो भी बिल्कुल सही है, और राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, ये तीसरी जानकारी भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सही है, सभी सही है। इसके साथ साथ मैं आपको दो जानकारियां और प्रोवाइड करना चाह रहा हूं जो इससे जुड़ी हुई है। यहां पर 250 रुपए का एक चांदी का सिक्का भी जारी किया गया, 250 रुपए का चांदी का सिक्का भी इसी आयोजन में जो है जारी किया गया, और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया, 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो एक पुस्तक का विमोचन किया गया, 250 रुपए का चांदी का सिक्का जारी किया गया और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। ये तीन इस आयोजन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी और इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका यहां पे, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लोकतक अंतर्देशीय, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़िए, लोकतक अंतर्देशीय जलमार्ग सुधार परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है, है ना। तो देखिए, यह मणिपुर के मोइरंग में स्थित है, यह मणिपुर इसका सही उत्तर होगा और मणिपुर के मोइरंग में यह स्थित है। यह पूर्वोत्तर में, अगर हम पूर्वोत्तर में बात करें तो यह पूरे पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह पूर्वोत्तर में, मैं देखिए ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं पूर्वोत्तर की, पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्लियर रखिएगा, मोइरंग में है मणिपुर के। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ यहां पर हम लोग बढ़ते हैं, पिपराइच चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, तीन चीनी मिलों का जो उद्घाटन हुआ है वो नवंबर 2019 में, और तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है और तीनों उत्तर प्रदेश में है, है ना। तीन चीनी मिलों का उद्घाटन हुआ है। अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो पिपराइच चीनी मिल जो है वो गोरखपुर में स्थित है, इसका तो सही उत्तर होगा डी, पिपराइच चीनी मिल गोरखपुर में स्थित है। इसके अलावा मुंडेरवा जो चीनी मिल है वो बस्ती में है, इसके साथ ही मुंडेरवा जो चीनी मिल है वो बस्ती में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा आप लोग देख लीजिए, एक और महत्वपूर्ण चीनी मिल है यहां पर, वो चीनी मिल है बागपत में रमाला, है ना। जो रमाला चीनी मिल है वो आपकी कहां पे है बताइए, बागपत में है। तो इन तीनों ही चीनी मिलों का उद्घाटन नवंबर 2019 में उत्तर प्रदेश में किया गया
और जिसमें से एक आपसे पूछ ली गई है और दो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी की है जो भविष्य में आपके काम आ सकती है, आप इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपका इस श्रृंखला का, नवंबर 2019 में मछुआरों के कल्याण के लिए किस राज्य द्वारा वाईएसआर मत्स्यकार भरोसा योजना का शुभारंभ किया गया। पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप जान लीजिए, यहां पर आपसे एक पेपर में पूछी गई है। हां, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। देखिए वाईएसआर राजशेखर रेड्डी बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। कुछ समय पूर्व नल्ला मल्ला के जंगलों में इनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, और इनके पुत्र ने एक पार्टी बनाई थी वाईएसआर कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी, जिसने अभी पूर्ण बहुमत से जिन्होंने सरकार बनाई है। इसका जो सही उत्तर होगा आपका है ना, जो चौथे प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा, वो चौथे प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है और जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है प्रदेश के। मछुआरों के लिए कुछ समय कठिन होता है, जैसे अगर हम लोग देखें जून जुलाई अगस्त का समय कठिन होता है, क्योंकि इस समय कड़े प्रतिबंध मछुआरों पर होते हैं। उनकी रोजी रोटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस कड़े कठिन समय में 10,000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से, इस कठिन समय में उन 3 महीनों में जब उनके व्यापार की मंदी होती है, 10,000 रुपए उस कठिन कड़े जो आपके प्रतिबंध होते हैं उस समय के दौरान 10,000 रुपए, और जान माल की हानि होने पर 10,00,000 रुपए का बीमा है ना। ये जो है इस योजना का प्रमुख हिस्सा है, और इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा, नवंबर 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर, ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, मातृ मृत्यु दर प्रति 1,00,000 जीवित जन्म दर पर कितनी रह गई है। जो पांचवा प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा 122, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कहां पर है और सबसे कम कहां पर है, तो सर्वाधिक जो है वो असम में है और सबसे कम जो है वो केरल में है। असम में यह सर्वाधिक है और केरल में यह सबसे कम है, क्लियर, ध्यान रखिएगा, सी इसका उत्तर सही है। और आपसे एक प्रश्न और यहां से बनता है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो भारत का महापंजीयन कार्यालय, भारत का महापंजीयन कार्यालय जो है वो इस रिपोर्ट को क्या करता है, जारी करता है, इस रिपोर्ट को जारी करता है। आइए छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, छठवें प्रश्न की तरफ। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों को मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा, एक मिनट थोड़ा सा हमें क्षमा दीजिएगा। आपने देखा कि हमारे यहां खंड शिक्षाधिकारी का बैच चल रहा था, लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों ने एडमिशन लिया और वहां पर क्लासेस सुचारू रूप से आपकी संचालित हो रही है। एक छोटी सी समस्या है, हमने आपको एंट्री के लिए बीयू के लिए पहले एक नंबर दिया था 8112378577, ये नंबर हम लोगों के द्वारा पहले दिया गया था, कुछ तकनीकी कारणों से अपहरण कारणों से ये नंबर बंद हो गया है और कुछ इसमें समस्याएं आई हैं हम लोगों को, है ना। तो जो लोग अभी हाल ही में एंट्री लिखकर भेज रहे हैं या जो उस बैच से जुड़ना चाह रहे हैं वो उस नंबर पर अगर संपर्क कर रहे हैं तो वो नंबर आपको बंद बता रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक नया नंबर जारी कर दे रहे हैं यहां से, ताकि आप इस चीज को कर सकें। संस्थान की तरफ से सूचना है 8382955694, है ना, ये नंबर है नया नंबर खंड शिक्षाधिकारी के लिए। इस पर आप लोग एंट्री बीईओ लिखकर भेजिए और आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, या नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं आप इन नंबर्स पर फोन करके भी अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, जो पुराना नंबर था वो तकनीकी कारणों से कुछ सेवा में इस समय नहीं है, आप अपना नुकसान ना करें। यदि आपने उस नंबर पर एंट्री लिख के भेजा और आपको जवाब नहीं मिला है तो आप सभी लोगों को निश्चित रूप से इस नंबर पर एंट्री लिख के भेजना होगा। जैसे ही आप इस नंबर पर एंट्री लिख के भेजेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा ये नया एंट्री नंबर है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हां, छठवां प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा काला पानी किस भारतीय राज्य में स्थित है,
हाँ देखिए, नए मानचित्र जो जारी किए गए हैं उसमें उत्तराखंड में स्थित है ना, काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है और यह भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय रहा है, यह भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय रहा है और आज से नहीं बहुत पहले से विवाद का विषय है। 1816 की सगौली की संधि इससे संबंधित है, ब्रिटिश समय में की गई 1816 की सगौली की संधि। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि सगौली की संबंधी का सीधा संबंध किस स्थान से है ना, काला पानी और वर्तमान में जो इसकी स्थिति है नए मानचित्र में वो कहां पे है बताइए, उत्तराखंड में। ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, हाल ही में हाँ डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2019 का आयोजन कहां किया गया। देखिए हाँ, ये जो आपका था ये वाराणसी में किया गया है ना, वाराणसी में किया गया, ये पूर्वोत्तर से संबंधित था, जैसे कि आप ऊपर ही पढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं। 8 राज्यों ने इसमें भाग लिया और ये हाँ 8 राज्यों ने भाग लिया और ये हस्तशिल्प से संबंधित था, 8 राज्यों ने भाग लिया और ये उनके हस्तशिल्प के कार्य से संबंधित था। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, हस्तशिल्प के वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, जहां पर ज्यादा व्याख्या नहीं है मैं व्याख्या ज्यादा नहीं करूंगा, देश के पहले हाथी स्मारक का अनावरण कहां किया गया। ये प्रश्न एक बार पूछा भी जा चुका है अभी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, तो देश के पहले हाथी स्मारक का अनावरण मथुरा में किया गया, कहां किया गया, मथुरा, इसका आपका सही उत्तर होगा मथुरा, क्लियर है। आइए अगला चलते हैं, नौवां प्रश्न है, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। आप पहले तो आप ये जान लीजिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की थी कि 2014 से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, क्लियर, एक बात। दूसरी बात, अब आपसे पूछा गया है कि इस बार का आयोजन कहां हुआ, तो इस बार का आयोजन जो हुआ वो मैसूर में हुआ, कर्नाटक, इस बार का जो आयोजन हुआ वो कहां पे हुआ, कर्नाटक में हुआ, मैसूर में, क्लियर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए। आइए आगे चलते हैं, 10वां, नवंबर 2019 में कालबुर्गी हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। देखिए कालबुर्गी जो हवाई अड्डा है वो कर्नाटक में स्थित है और अगर स्थान को हम देखें तो गुलबर्ग स्थान के पास है, इसका पूर्व नाम गुलबर्ग है इस स्थान का और अब इसको कालबुर्गी हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। तो दसवें का जो सही उत्तर आपका होगा वो दसवें का सही उत्तर आपका क्या होगा, कर्नाटक होगा, सी, क्लियर है। आइए 11वां प्रश्न, डायल 112 सेवा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया श्रेणी में किस राज्य की पुलिस को दुबई पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर कार्यक्रम के दौरान तृतीय पुरस्कार दिया गया है ना। देखिए 112 महत्वाकांक्षी योजना है जो सुरक्षा से संबंधित है, कई सारी हेल्पलाइन को इसमें शामिल कर दिया गया है, आप सभी लोग जानते हैं है ना। गर्व की बात है, आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी वहां पर भारत की तरफ से इसको तृतीय स्थान दिया गया, प्रथम स्थान जो है वो सिंगापुर की पुलिस ने प्राप्त किया, प्रथम स्थान जो है वो सिंगापुर की पुलिस ने प्राप्त किया। पुलिस सुधार लगातार चल रहा है और उसके परिणाम आने भी धीरे धीरे क्या हो गए हैं, प्रारंभ हो गए हैं। जो हमारे यूपीएसआई के छात्र छात्राएं इसको देख रहे हैं, सदस्य देख रहे हैं इस एपिसोड को, वो ध्यान रखें कि हमें आगे बढ़ चढ़कर देश की सेवा करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके लिए 12वां प्रश्न, हाल ही में किस संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय मिशन निष्ठा का शुभारंभ हुआ। दूसरी बात, निष्ठा किससे संबंधित है, दोनों ही बातें आपको देखनी है ना। हाँ तो देखिए, निष्ठा का संबंध है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने से, निष्ठा का संबंध किससे है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने से, क्लियर। हाँ अब आपसे पूछा गया कि निष्ठा का शुभारंभ कहां किया गया, तो इसका जो शुभारंभ हुआ वो जम्मू और कश्मीर में हुआ, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, ए हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 13वां, हाल ही में झील के आसपास, किस झील के आसपास 18,000 से अधिक पक्षियों की मृत्यु हो गई है ना, सही बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका होगा, क्षमा करिएगा, सांभर झील के आसपास, कहां पर, सांभर झील के आसपास, और इसका कारण था सीडी बैक्टीरिया, सीडी बैक्टीरिया के कारण। अगर आपसे पूछा जाए किस बैक्टीरिया के कारण
सीडी बैक्टीरिया के कारण 18,000 से अधिक पक्षियों की मृत्यु जो है वो सांबर झील के आसपास हुई। अगर आपसे सीडी बैक्टीरिया का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो इसका पूरा नाम है क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया। क्लियर, इसका सही नाम है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, हाल ही में राज्यपालों का 50वां सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ? अब इसमें एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, आपको देखना है। इसका सही उत्तर आपका बी होगा, नई दिल्ली। सही उत्तर क्या है? बी, नई दिल्ली। आइए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गुरु नानक देव जी की स्मृति में सिख संग्रहालय और शोध केंद्र की स्थापना कहां की गई? हेला बताइए। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा 15वें प्रश्न का? जबलपुर। क्या होगा? जबलपुर। आप जानते हैं 550वां प्रकाश वर्ष इस बार जो है गुरु नानक जी का मनाया गया था, है ना, और तलवंडी नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था जिसको अब ननकाना साहेब कहा जाता है। ये प्रश्न हम लोग एक बार हल कर चुके हैं। करतारपुर कॉरिडोर से भी जुड़े मुद्दे इस बार जो है चर्चा में रहे हैं, तो हम लोग अगले जो रटलो होगा उसमें करतारपुर कॉरिडोर की एक पूरी सूचना को शामिल करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न अभी भी ये चुकी करंट में है, तो यहां से प्रश्न आपका निश्चित बनेगा, आप भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे। गुरु नानक जी का 550वां प्रकाशवां वर्ष इस बार जो है मनाया गया था, और हमने ननकाना साहेब और तलवंडी जो पूर्व नाम था इसका, सारी जानकारी हमने आपको इससे पहले वाले रटलों में प्रेषित की हुई है। आइए 16वां प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया गया? भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब देखिए कृषि है तो कृषि मंत्रालय आप गलत मत करिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और इसका उद्देश्य बहुत परिष्कृत है। इसका उद्देश्य है कुपोषण को दूर करने के लिए बहु क्षेत्रीय ढांचे का विकास करना। कुपोषण को दूर करने के लिए बहु क्षेत्रीय ढांचे का विकास करना, इसका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है आपका, नवंबर 2019 में किस स्थान पर आदि महोत्सव का आयोजन किया गया? दो बातें ध्यान रखनी है, आदि महोत्सव किससे संबंधित है यह भी ध्यान रखना है, और किस स्थान पर आयोजन किया गया यह भी ध्यान रखना है। क्लियर, तो जो 17वां प्रश्न है वो 17वां प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों का होगा नई दिल्ली। हां नई दिल्ली, और यह जनजातीय संस्कृति, जनजातीय संस्कृति और शिल्प कला से संबंधित है। जनजातीय संस्कृति और शिल्प कला से संबंधित है, शिल्प कला, ध्यान दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की, ए ऑप्शन इसका सही हो जाए। 18वां प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 पुरस्कार में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो 18वां का सही उत्तर होगा तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है आपका, 14 से 27 नवंबर 2019 के मध्य 29 में भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां किया गया? बताइए, उत्तर करिए आप लोग, कहां किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बताइए नई दिल्ली। कहां किया गया? नई दिल्ली। व्यापार से संबंधित नई नई जीचों में लोगों को आमंत्रित करना, प्रेरित करना, इस हेतु प्रतिवर्ष यह आयोजन किया गया जाता है, और इस वर्ष जो इस आयोजन का वो कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ए ऑप्शन इसका आपका सही उत्तर होगा। 20वां, 21 अक्टूबर 2019 को सृजित भूतपूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य, भूतपूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र तथा नए लद्दाख संघ एवं राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित हो गया। भारत के मानचित्र में कौन सा जिला लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कारगिल, है ना। लेह एवं कारगिल दो ही जिले हैं, लेह एवं कारगिल दो ही जिले हैं जो इसमें आते हैं।
पहले जम्मू कश्मीर में कितने जिले थे? 22 जिले थे, अब वहां पर जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 20 है। और ये जो दो आपके जो है ये संकेंद्र, हाँ, ये लद्दाख जो है संघ राज्य क्षेत्र के रूप में आ गए हैं। तो इसका सही जो उत्तर आपका होगा वो सही उत्तर आपका इसका क्या होगा? कारगिल। आइए अगला प्रश्न है आपका यहां पर। ये मेरी रीजनिंग की किताब है, आप लोग इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं, आसान चीज है। एक नंबर है 9452275777। रीजनिंग की किसी भी जो है विषय वस्तु के लिए किताब है, आप इस नंबर पर कॉल और जो है व्हाट्सएप पर बुक लिखकर इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। रीजनिंग में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चूंकि मेरी स्वयं की किताब है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग स्वयं विवेक से निर्णय लेंगे। आइए अगला, ऑपरेशन माह किसके द्वारा चलाया गया है? देखिए ऑपरेशन माह चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में। जो लोग गलती से ब्रेन वॉश करके या अलग अलग मानसिक प्रक्रियाओं से छोटी उम्र में आतंकवाद से जुड़ गए हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा क्या चलाया गया बताइए? ऑपरेशन माह चलाया गया है। भारतीय सेना 22वां प्रश्न, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को नवंबर 2019 में आयोजित होने वाले 50वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार की स्वर्ण जयंती के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया? दक्षिण भारत के बहुत बड़े अभिनेता रजनीकांत, जो कि अपने भारत में भी बहुत प्रचलित है और बहुत बड़े अभिनेता है, तो रजनीकांत को यह जो है मौका इस बार जो है अवसर मिला है और वो गौरवान्वित हुए। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? बी रजनीकांत। आई 23वां प्रश्न, ग्लोबल बाइवली रिस्क इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? पहले तो ये समझ लीजिए कि किससे संबंधित है, ये रिश्वत के जोखिम से संबंधित है, ये इंडेक्स रिश्वत जोखिम से संबंधित है, क्लियर, रिश्वत के जोखिम से संबंधित है। अब आप देखिए कि भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है इस प्रश्न के हिसाब से, 23वां, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 78वां। अब यहां पर आपको यह भी जानना जरूरी है इंडेक्स में कि पहला स्थान किसका रहा और अंतिम स्थान किसका रहा, तो पहला स्थान इसमें रहा न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड सबसे कम रिश्वत, और सबसे अंतिम स्थान रहा सोमालिया का सबसे ज्यादा रिश्वत। हां, न्यूजीलैंड पहले स्थान पर और सबसे बाद में कौन है? सोमालिया है आपका। आइए 24वां प्रश्न, हाल ही में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां संपन्न हुई? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, नागोया, ये जापान में स्थित है ना। एक बार आपसे यह भी पूछा लग गया है कि जापान के किस प्रांत में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये जापान के आईची प्रांत में संबंधित है, आईची प्रांत में स्थित है, जापान के आईची प्रांत में स्थित है। आइए 25वां प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में पहली बार किस देश को चुना गया? चलिए काफी प्रश्न आपके यहां से बन रहे हैं। 25वां, हां, सऊदी अरब को चुना गया है ना, सऊदी अरब को चुना गया, तो इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। अब कुल देश सदस्य देशों की संख्या 193 है, अब कुल सदस्य देशों की संख्या आपकी बताइए कितनी है? 193 है। हम सब जानते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पे है यूनेस्को का? पेरिस में, फ्रांस। पेरिस कहां पे? फ्रांस में। इसका सही उत्तर होगा 100, हाँ, सऊदी अरब, कुल सदस्य देश 193 और पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय। 26वां प्रश्न, अक्टूबर 2019 में जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी ने महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक पर अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 167 देशों की सूची में किस स्थान पर है? मतलब 167 देश कुल इसमें शामिल थे और जारी करने वाली संस्था यहां पर यह है। अब आपको बताना है कि भारत का स्थान कौन सा रहा, तो 26वां इसका जो है वह, तो 133 आपका सही उत्तर होगा सी, 133 सी ऑप्शन आपका इसका सही होगा, भारत 133वें स्थान पर यहां पर है। आई 27वां, हाल ही में भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन 2019 का आयोजन वो कहां पर हुआ है ना, तो ये आपका 27वां प्रश्न, और 27वें का सही उत्तर होगा ये भारत में आयोजित किया गया, भारत देश के नई दिल्ली, राजधानी भारत। ठीक, आई
28वां फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश का प्रथम जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, घोषणा कर दी गई है, और हम लोग भारी वैसी गांव फरेंदा महाराजगंज, महाराजगंज में जिस जगह का चुनाव किया गया है वो भारी वैसी गांव है ना, और ये फरेंदा गोरखपुर के पास फरेंदा महाराजगंज में पड़ता है। एक और बात समझ लीजिए, ये तो उत्तर प्रदेश का प्रथम हो गया, लेकिन एक बार आपसे पूछा गया कि भारत का पहला जटायु प्रजनन संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां है, ये कहां है, पिंचौर, ये है पिंचौर में हरियाणा में, पंचकुला, पिंचौर पंचकुला हरियाणा, ये भारत का पहला है, ये भारत का पहला है, ध्यान दीजिएगा। आइए 29वां पॉलीडेक्टाइली क्या है, अभी देखिए एक शिशु पैदा हुआ उसके बहुत सारे हाथ थे और बहुत सारी उंगलियां थी, है ना, तो वहां से ये विषय चर्चा में रहा, साइंस टेक की भी बहुत सारी मैगजीन में है, द हिंदू में भी रहा और बहुत सारे अखबारों में भी रहा, तो इस शब्द को आपको याद रखना है, पॉलीडेक्टाइली क्या है, है ना, 29वां आपका यह पॉलीडेक्टाइली क्या है, तो देखिए पॉलीडेक्टाइली जो है हाथ या पैर में अगर 5 से अधिक उंगली हो तो इसके लिए जिस शब्दावली का यूज करते हैं उस शब्दावली को हम लोग कहते हैं पॉलीडेक्टाइली। क्लियर, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, ध्यान दीजिएगा। आइए 30वां सघन मिशन इंद्रधनुष आईएमआई 2.0 का संबंध किससे है, हम सभी जानते हैं कि मिशन इंद्रधनुष की जब बात आती है तो ये टीकाकरण से संबंधित है ना, लेकिन अब चूंकि 2.0 आया है तो इसकी समय सीमा, इसमें शामिल राज्यों की संख्या और टीकाकरण की प्रवृत्ति, तीनों को आपको यहां पे याद रखना होगा, तो इसके बारे में जो डिटेलिंग है उस डिटेलिंग को आप स्पष्ट कर लीजिए एक बार। हाँ, जो आपका प्रश्न है 30वां, तो 30वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 2 दिसंबर से लेके मार्च, अगर हम इसको देखें तो दिसंबर 2019 से लेके मार्च 2020 तक का लक्ष्य इसमें रखा गया है, लंबा समय नहीं लिया गया है, और 90% से अधिक टीकाकरण को आच्छादित करने का इसमें लक्ष्य, और 29 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं, 29 राज्य इसमें लगभग शामिल किए गए हैं, लगभग 600 जिले इसमें 29 राज्य के शामिल है, तो इसका सही उत्तर जो आपका होगा ए होगा, इसका सही उत्तर ए होगा, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित, और बच्चों की जो आयु रखी गई है वो 2 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चे रखे गए हैं इस आयु में। क्लियर, तो इसका सही उत्तर आपका जो 30वें का होगा वो 30वें का सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, ए होगा। आइए 31वां प्रश्न, नवंबर 2019 में भारत में आया भीषण चक्रवाती तूफान महा, हम सभी जानते हैं, कौन सा राज्य में संख्यात्मक क्षेत्र प्रभावित नहीं है, अरब सागर में उठा था, अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पे उठा था, अरब सागर में उठा था, और ये अत्यंत संवेदनशील प्रवृत्ति का चक्रवात था, अरब सागर में उठा था, है ना, दिए गए स्थानों में से हम जानते हैं कि अरब सागर में उठा था, तो ये 3 स्थान इससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल इससे संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा बताइए, डी होगा, कौन सा होगा, डी होगा। आई डी हो 32वां 22 नवंबर 2019 को किसे वर्ष 2018 के लिए 28वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये राजस्थान की है और इनका नाम क्या है बताइए, मनीषा कुलश्रेष्ठ, मनीषा कुलश्रेष्ठ है इनका नाम, इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा, और इनके उपन्यास का नाम है सोपन पास, सोपन पास इसके उपन्यास का नाम है, ध्यान दीजिए। आप में से बहुत सारे सदस्य इंटरेस्टेड हैं जूनियर की जो 4000 एडेड स्कूलों में वैकेंसी आई हो सुपर टेट की, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं 24 तारीख से संस्थान में बैच आएंगे, 20 से 24 के बीच में इन बैचेज की घोषणा हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की इसमें आवश्यकता नहीं है, जूनियर की जो 4000 की एडेड वैकेंसी है और उसके अलावा जो सुपर टेट है इन सब के लिए अगले 7 से 8 दिनों में बैच संचालन में संचालित होंगे, मैं स्वयं आपको इसकी घोषणा करूंगा और आपको बताऊंगा, अभी खंड शिक्षाधिकारी के लिए जो बैच चल रहा है उसमें प्रवेश आप अपने सुनिश्चित करा सकते हैं, आराम से उसमें प्रवेश चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 33वां प्रश्न, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है, 3 बार प्रश्न पूछा गया पिछले वर्ष 3 एग्जाम में, 2 दिसंबर इसका सही उत्तर है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है याद रखिएगा। आइए
हाँ, इसमें ये आपसे पूछा जाता है हाँ कि ये क्यों मनाया जाता है कि, हाँ तो आप जानते हैं 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें मारे गए जो लोग थे उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। एक बार ये भी पूछा गया है, उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? बी उत्तर सही होगा। आइए 34वां प्रश्न। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2019 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है ना, बताइए। रिचर्ड एटनबरो, डेविड एटनबरो, डेविड मिलर और डेविड धवन। देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी जी इस समिति के अध्यक्ष थे जिसने पुरस्कार मांगे हैं, प्रणब मुखर्जी जी। हमारी नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर दिया जाता है, शांति प्रसार और निःशस्त्रीकरण के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि इस बार का जो ये पुरस्कार है, महान प्रकृतिवादी हाँ डेविड एटनबरो को दिया गया है, डेविड एटनबरो को दिया गया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो बी होगा, बी विकल्प सही होगा, है ना। आइए 35वां प्रश्न है आपका। लोगों को सांस्कृतिक विरासत और स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु हाँ यूनेस्को द्वारा संपूर्ण विश्व विश्व विरासत सप्ताह या पखवाड़ा कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 19 नवंबर से 25 नवंबर। यहीं पर मैं आपको यह भी स्पष्ट कर सकता हूं कि भारत के कुल 38 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है, भारत के कुल 38 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है। 36वां प्रश्न। 10 नवंबर 2019 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन पहली बार जब चुनाव आयुक्त तो बने तो भारत को महसूस हुआ कि चुनाव आयोग वास्तव में है क्या और चुनाव आयोग के अधिकार क्या होते हैं। बहुत तेज तर्रार ईमानदार छवि के नेता थे, आईएएस अफसर थे टीएन सेशन, और हाल ही में उनका निधन हुआ। आपसे जानकारी मांगी गई है उनके बारे में कि 10 नवंबर 2019 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन का 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वह देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो वो देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन से 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त वो देश के रहे हैं। आइए निधन व्यक्ति विशेष। शिल्पोत्सव 2019 का आयोजन कहां किया गया? 37वें प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। तो जो शिल्पोत्सव 2019 का जो आयोजन है वो कहां किया गया बताइए? दिल्ली में किया गया और देशभर के शिल्पकारों ने यहां पर जो है जमावड़ा लगाया। देशभर के जो सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार थे वो यहां पर आए और दिल्ली में आयोजन इस बार किया गया। आइए 38वां प्रश्न। 28वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? 28वां व्यास सम्मान लीलाधर जगुड़ी को दिया गया, जगुड़ी जी को, है ना। और इनके उपन्यास का क्या नाम था? जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। आइए तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? 28वां व्यास सम्मान का बी ऑप्शन। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा होगा? देखिए 15वां संस्करण है ये विश्व कप का। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा संस्करण है, 15वां संस्करण कब आयोजित होगा? 2023 में, और मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 15वां संस्करण है, मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। आइए भारत करेगा। अगला प्रश्न है आपका 40वां प्रश्न। 13-14 नवंबर 2019 को 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया? आपको बताना है ना। चलिए ये तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हमेशा आते हैं, तो इसका सही उत्तर दीजिए 40वें का। तो 40वें का जो है सही उत्तर आपका होगा ब्राजील, है ना। एक अभिनव भविष्य के लिए हाँ, एक अभिनव भविष्य के लिए निर्माण, एक अभिनव भविष्य के लिए निर्माण, ये इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? डी ब्राजील। आइए मार्च 2020 के पहले सप्ताह में भारत किस देश के साथ पहली बार नौसैनिक अभ्यास करेगा? अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब यात्रा की रियाद की है ना, तो वहां पे जो है निर्णय लिया गया, और ये जो है हां सऊदी अरब इसका सही उत्तर होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? पश्चिमी हिंद महासागर के समुद्री ताकत को मजबूत करना, है ना। सऊदी अरब इसका सही उत्तर होगा। इसका उद्देश्य क्या है? पश्चिमी हिंद महासागर की हां समुद्री ताकत को मजबूत करना और उसमें कॉपरेशन को स्थापित करना। आइए अगला प्रश्न आपका 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं।
2 से 3 नवंबर 2019 के मध्य संपन्न हुए 35वें आसियान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से कहां किया गया? क्लियर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा यहां पे 42वें प्रश्न का, थाईलैंड। कहां आयोजन हुआ? थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा, आसियान शिखर सम्मेलन 35वां कहां पे? थाईलैंड में। आइए आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न, जनवरी 2020 में विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक के सभी आयोजन, ये दाओस में है ना, दाओस इसका सही उत्तर होगा डी। अगर आपसे पूछा जाए कि दाओस कहां पे, तो हम सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड, दाओस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन। आइए 44वां प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की है, है ना, 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में वृद्धि कब तक की है? 30 अक्टूबर 2020 तक, 30 अक्टूबर 2020 तक। ए ऑप्शन आपका सही होगा। 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में, दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर, भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था? अब आपको बताना है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था 45वें प्रश्न का। तो देखिए दूसरी, ये लगभग 4.5% था, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम समझाएं, लेकिन डिजिट्स और डाटा आपको याद रखना है। क्लियर, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। 46वां प्रश्न है आपका, क्रेडिट रेटिंग संस्था मूडीज के अनुसार, मूडीज अभी बहुत चर्चा में रही है ना, मूडीज के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा रहेगा, जो अनुमान व्यक्त किया था मूडीज ने, वो 3.7% का अनुमान व्यक्त किया था। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। क्लियर। 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ लीजिए, हाल ही में 5वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 कहां आयोजित हुआ? 5वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 कहां आयोजित हुआ? कोलकाता में आयोजित किया गया। आइए, स्थान विशेष है और आयोजन है, समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं है। नवंबर 2019 को ज्ञानपीठ चयन बोर्ड ने वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष जी को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा के लेखक थे, बंगाल से रिप्रेजेंट करते हैं, बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बार किसी अंग्रेजी भाषा के लेखक को पुरस्कार मिला था, जो 54वां ज्ञानपीठ था। आपसे पूछा जा रहा है 55वां, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अक्कीथम अच्युतन नंबूथिरी, ये मलयालम भाषा के कवि, मलयालम भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। पुरस्कारों पर 49वां, मार्च 2020 में बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन आयोजित किया जाएगा, कहां पर? आपको उत्तर करना है, तो इसका सही उत्तर आपका जो होगा, कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो आप कहेंगे विशाखापत्तनम में इसको आयोजित किया जाएगा। और अंतिम आज का प्रश्न है इस रटलो का, वर्ष 2018 में किस देश से सर्वाधिक पर्यटक भारत में आए? बांग्लादेश इसका सही उत्तर होगा। तो ये आज के 50 प्रश्न थे, कैसे लगे जरूर बताइए। यूपीपीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बहस की घोषणा आज हो चुकी है। बीओ के लिए नया नंबर मैंने बीच में जारी किया है, आप लोग उसको सजग रहे, सचेत रहे बीओ के लिए। और जूनियर की जो वैकेंसी है 4000 और सुपर टेट के लिए नया बैच बहुत जल्द लाने वाले हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने संस्था पर भरोसा रखिए, है ना। पीसीएस में आज से प्रवेश शुरू हो रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, जल्दी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और वीडियो कैसा लगा है जरूर लिखें, और आप कहां से हमें देख रहे हैं ये जरूर हमें सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।